भारत की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी डाबर बड़ी परेशानी में फंस गई है। अपने आप को दुनिया की लीडिंग बेस्ट आयुर्वेदिक कंपनी कहलाने वाली डाबर के प्रोडक्ट्स पर कैंसर होने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते डाबर की 3 सब्सिडियरी कंपनियों के खिलाफ अमेरिका और कनाडा में कई कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी कि मामला विदेशों के फेडरल कोर्ट में जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, इस खबर के आने के बाद से कंपनी के स्टॉक पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से डाबर के प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कैंसर जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और डाबर कितनी बड़ी परेशानी में फंस गया है। सबसे पहले जानते हैं कि डाबर की किन कंपनियों पर जांच की आंच आई है। तो रेगुलेटरी फाइलिंग में डाबर ने बताया है कि उसकी 3 सहायक कंपनियां नमस्ते लेबोरेटरीज LLC, डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स इंक और डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रोडक्ट्स जांच के दायरे में हैं। करीब 5,700 केस इन कंपनियों के खिलाफ फेडरल कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। अब अगला सवाल उठता है कि आखिर इन कंपनियों पर आरोप क्या है। तो फाइलिंग के मुताबिक ये 3 सब्सिडियरी कंपनियां हेयर स्ट्रेनर यानी कि बालों को सीधा करने वाले और हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट्स को कई नाम से बनाती और बेचती है। यही प्रोडक्ट्स जांच के घेरे में हैं। कंज्यूमर ने आरोप लगाया है कि इन प्रोडक्ट्स में कई तरह के केमिकल होते हैं जिसका इस्तेमाल से ओवेरियन कैंसर, यूट्रिन कैंसर और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई हैं। डाबर की ओर से कुछ जानकारियां और भी साझा की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि ये मुकदमेबाजी अभी शुरुआती दौर में है, जिसका मतलब है कि पार्टियों की शिकायत को दोनों तरफ से चुनौतियां दी जा रही हैं। साथ ही डाबर का कहना है कि मुकदमेबाजी के इस चरण में फैसले का परिणाम क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि डाबर इंडिया जो वाटिका शैम्पू से लेकर हनीटस कफ सिरप जैसे प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, भारत में इस कंपनी का अच्छा खासा कंज्यूमर बेस है। ऐसे में इस खबर के आने के बाद से डाबर के शेयरों में भी गिरावट का दौर देखने को मिला है। कंपनी के स्टॉक में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, यानी कि हेयर स्ट्रेनर और रिलैक्सर्स जैसे स्मूदिंग प्रोडक्ट्स जांच के दायरे में आ गए हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि दूसरे प्रमुख ब्यूटी कंपनियों के खिलाफ भी इसी तरह के मुकदमे दायर किए गए हैं। उपभोक्ता का कहना है कि इन उत्पादों में जानबूझकर खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन कंपनियों को इन संभावित जोखिमों के बारे में पता होने के बावजूद उत्पादों का मार्केटिंग और बिक्री की जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका और कैनेडाई कोर्ट से डाबर के खिलाफ फैसला आता है या उसके पक्ष में। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।